हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने दो ऐसे स्टूडेंट से मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने निमसेट की प्रिपरेशन इम्पीटस गुरुकुल में रह के की और इन्होंने एनआईटी सूरत कल से एमसीए कंप्लीट किया। अभी इनका प्लेसमेंट भी हो गया और बहुत अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि निमसेट के थ्रू जो बच्चे एनआईटी में जाते हैं वहाँ लगभग 100% के आसपास प्लेसमेंट है। और इन दो बच्चों में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका बायो बैकग्राउंड था और एक स्टूडेंट मैथ्स वाला है। तो ये आपको बताएंगे कि किस ढंग से प्रिपरेशन करना चाहिए और क्या वैल्यू होती है अच्छे कॉलेज की, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज से अगर आप एमसीए करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट तो अच्छा होता ही है, अच्छा क्राउड भी मिलता है, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि दीपक और धर्मेंद्र आपको बताएं कि एनआईटी सूरत कल में ये कैसे पहुँचे, किस ढंग से प्रिपरेशन की, और इनको एक्चुअल में ड्रॉप लेना पड़ा फाइनल ईयर में, इन्होंने बहुत सीरियसली प्लान नहीं किया था। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप फाइनल कर चुके हैं तो ड्रॉप लेने में कोई नुकसान नहीं है, पर अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है फाइनल ईयर में तो इमीडिएटली एक्शन लेके जुट जाइए। निमसेट एक बहुत अच्छा एग्जाम है और किस ढंग से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको बताएंगे दोनों बच्चे। तो सबसे पहले मैं दीपक को बोलूंगा कि वो बताएं आपको कि किस ढंग से इन्होंने प्रिपरेशन की थी, ये अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको समझ में आए कि आप इसको कैसे अपने से रिलेट करेंगे और किस ढंग से प्रिपरेशन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपक शर्मा। तो मैंने भी जब मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था उसके बहुत लास्ट टाइम पीरियड में मैंने निमसेट के लिए तैयारी स्टार्ट की थी। मैंने इम्पेटस ज्वाइन करा तो उस टाइम पे मतलब मैं इतने अच्छे से प्रिपेयर हो नहीं पाया था, सेल्फ प्रिपेयर्ड नहीं था, फिर भी मेरी रैंक 754 थी। तो फिर मुझे ड्रॉप लेना पड़ा, मैंने सर से सजेशन लिया, सर ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हारी अभी उस ढंग से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, फिर भी तुमने अच्छा किया है, तुम अगर करोगे तो हो जाएगा। और सर ने मुझे मोटिवेट करा, मैंने सर की बातों को अच्छे से समझा, फिर सर डिसीजन लिया, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ दिया और मैंने दोबारा एक कोचिंग ज्वाइन की। जब मैंने दोबारा मैं जुट गया निमसेट की तैयारी में, मैंने मतलब अपना दिल लगा के पढ़ाई की थी। सर ने जो जो भी बोला मैंने हर चीज़ सर की कही हुई फॉलो करी है, चाहे वो टेस्ट पेपर्स हों, चाहे वो टाइम टू टाइम आना, कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है, सर ने जो भी बोला है सब कुछ फॉलो किया है। और मेरी रैंक थी 54, तो 754 से 54 रैंक मेरे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट था। मैं तो हिंदी मीडियम से एमपी बोर्ड से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए 54 रैंक आना और एनआईटी सूरत का मिलना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। टॉप 3 एनआईटीज में आता है एनआईटी सूरत कल। तो अगर आप लोग भी इसी तरह से अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, तो हो सकता है कि आपको भी अच्छा एनआईटी मिले। और एनआईटी में अगर आप एक बार पहुँच गए तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट होना तो कन्फर्म ही है, मतलब 90-95% प्लेसमेंट होता है। कुछ ही बच्चे, 2-5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नहीं हो पाता है ड्यू टू लेस पॉइंटर। तो लेकिन हर एनआईटीज में पॉइंटर बनाना भी बहुत इजी है वहाँ पे, मतलब इतना हार्ड नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। सिलेबस भी इतना अच्छा सिलेबस है, इतने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, C++, जावा, ये सब लोग पहले से ही पढ़ के जाते हैं। और हम लोग भी यहाँ से, जब मैंने कोचिंग ख़त्म की थी तो मुझे एक महीने तक और मैं यहाँ आया था, मुझे तैयारी करवाई गई, मुझे सी और C++ के बारे में बताया गया, मैं यहाँ से पढ़ के गया तो मुझे उसका एडवांटेज मिला। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा पॉइंटर अच्छा रहा, तो इससे क्या मुझे दिक्कत नहीं आई। लेकिन कुछ लोगों का क्या है, फर्स्ट सेम में अगर पॉइंटर गिर जाता है तो वो आखिरी तक मेंटेन करने में बहुत उनको दिक्कत आती है। और हर कंपनी में एटलीस्ट 7 पॉइंटर तो होना ही चाहिए। तो इस तरीके से मैंने तैयारी करी थी, सर की कही हुई बातों को फॉलो करा था। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको अच्छा एनआईटी मिले, आप लोग अच्छा प्लेसमेंट चाहते हैं, अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, और अगर आप लोग अभी बीएससी बीसीए जो भी कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हैं, तो आप इमीजिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी से ज्वाइन करोगे तो आपको ड्रॉप लेने की नौबत नहीं आएगी, आपका एक साल खराब नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे मेरा हुआ है, लेकिन मुझे उस चीज़ का पछतावा नहीं है, क्योंकि आज मैं एक अच्छी पोजिशन पर हूँ, अच्छी जगह पर हूँ, अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हूँ, और उस चीज़ के लिए मैं सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हेलो गाइस, माय नेम इज़ धर्मेंद्र माली और मैं एनआईटी सूरत कल पास आउट हूँ। और मेरा जो बैकग्राउंड था वो बायो बैकग्राउंड था, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं था। तो मैंने भी बिल्कुल लास्ट में ज्वाइन की कोचिंग, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और मेरी रैंक काफ़ी 2000 के पार आई। तो मैंने सर से कंसल्ट किया कि सर मैं अब ड्रॉप नहीं ले सकता, मुझे समझ में नहीं आती चीज़ें, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं था। तो सर ने मुझे सजेशन दिया कि तुम आओ यहाँ पर, सर ने मेरे को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया, बिल्कुल एक एक चीज़ समझाई मुझे, लास्ट तक जाके मेरा इतना अच्छा कंसेप्ट हुआ कि मेरी 240 रैंक आई और मैं एनआईटी सूरतकल में सेलेक्ट हुआ। और वहाँ जाके मुझे काफ़ी सर की हर बातों को मैंने फॉलो किया, मुझे काफ़ी हर चीज़ का मुझे फ़ायदा मिला, क्योंकि सर यहाँ पे आफ्टर सिलेक्शन के बाद क्लासेस लगाते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पढ़ाते हैं सर, जो सी C++,
और भी चीज़ें पढ़ाते हैं कि बताया जाता है कि पॉइंटर किस तरह से बना लो पहले, ताकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पॉइंटर अच्छा जाता है तो वो आपको पूरे थ्रू आउट आपका जब तक एमसी चल रहा है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जैसा धर्मेंद्र दीपक ने बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने सुनी, जैसे इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं आप लोग मुझे बहुत फ़ोन करते हैं। अच्छा, एक और बात बोलना चाहूँगा यहाँ पर, बाकी फिर इनसे कई क्वेश्चन पूछता हूँ, कि आपके समय में तो केवल क्लासरूम कोर्स था। आज सबसे अच्छी बात है कि क्लासरूम कोर्स के साथ साथ हमारे साथ बच्चे ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़ गए, यानी जो बच्चा दूसरी सिटी में है वो क्लासरूम कोर्स में जो पढ़ाया गया उसको मैंने पूरा रिकॉर्ड करके बच्चों को वो पेन ड्राइव के फॉर्म में ले रहे हैं वो, और पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी अभी मैंने एकदम, जैसे लास्ट ईयर मैंने बच्चों को बोला था कि जो बच्चे चाहें तो लास्ट टाइम में आके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, पर कई स्टूडेंट नहीं आ पाए, तो उसका भी मैंने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला। तो आप सब लोग जो एमसी की तैयारी करने वाले हैं और कर रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा कि आप इम्पिटस गुरुकुल में दो तरीके से जुड़ सकते हैं, या तो क्लासरूम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप सपोज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में या फाइनल ईयर में, तो बीच में आना आपके लिए मुश्किल है, तो आप ऑनलाइन कोर्स को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इस ऑनलाइन कोर्स में हम आपको वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे कि क्लासरूम कोर्स में होता है। मतलब कैसे पॉसिबल होगा, तो मैंने इसलिए अभी एक दो आपने देखा होगा लाइव क्लास भी ली, तो आप जो भी टॉपिक क्लास में स्टार्ट होगा उसकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, बाकी क्योंकि आपके पास पूरा कोर्स होगा तो आप उस कोर्स से पढ़ाई करेंगे। जो संडे को टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट आपको भी मिलेगा, जो आप रजिस्टर्ड ईमेल हमको देंगे उस पर, और उस पेपर का लाइव एनालिसिस सॉल्यूशन भी मिलेगा। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर जो पेपर आते हैं उसमें कई बार डाउट नहीं हो पाते, तो ये मैंने सॉल्यूशन निकाला, यानी अब इंडिया में कोई बच्चा कितना भी दूर क्यों ना हो वो बहुत इजीली पढ़ सकता है। इसके अलावा फरवरी में हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हफ्ते में 3 टेस्ट होंगे, वो टेस्ट भी आपको उसी समय पे मिलते जाएंगे जब जब यहाँ होगा, यानी जो एकेडमी में हो रहा है वही चीज आप घर पर रह के पढ़ सकते हैं। एकेडमी में बस ये होता है कि बच्चे सुबह 8 बजे आते हैं और रात को 8 बजे तक रहते हैं, जिसमें 4 घंटे की क्लास और बाकी समय सेल्फ स्टडी करते हैं। ऐसा ही कुछ टाइम टेबल आप लोग भी बनाइए जिससे आप पढ़ पाएं। तो इन लोगों के समय ये सारी फैसिलिटी नहीं थी, पर आज क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तो ये मैंने कर रखा है, तो ये बच्चों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। और देखिए, एक जो चीज़ इन्होंने बोली कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपका पॉइंटर गिरा तो प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये बात ध्यान रखिए, कंसेप्ट बना के पढ़िए। जब भी आप कंसेप्ट बना के पढ़ेंगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए, जैसे आप बायो वाले थे धर्मेंद्र, कि बेसिकली जब, क्योंकि बायो वाला बच्चा जो आता है, बहुत सारे बायो वाले बच्चे जुड़े हैं, तो स्टार्टिंग में उन्हें बहुत डर लगता है। मैं उनको बहुत समझाता हूँ कि धीरे धीरे आएगी, क्योंकि हम हर चीज़ दो दो तीन तीन बार पढ़ाते हैं, तो वो डर आपको भी रहा होगा। पर जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट आपने लगी कि क्या सोच थी जो आपको रोक के रखी, क्योंकि वही चीज़ अगर बच्चों को समझ में आ गई तो नॉन मैथ्स वाला बच्चा भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सर, मुझे पहले तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता था, तो धीरे धीरे सर आपसे मैंने दोबारा से क्लासेस के बाद सर से मैं मिलता था, सर ने मुझे दोबारा मोटिवेट किया कि नहीं तुम रुको, क्योंकि हर चीज़ एकदम से तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ सकता, पहले तुमने जोड़ना घटाना चालू किया होगा, उसके बाद जो तुम्हें आगे के फंक्शन आए होंगे मैथ के, तो सर ने बोला कि पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सर ने मेरा खुद अकेले में बेसिक स्ट्रॉन्ग करवाया, और भी यहाँ पे जो फैकल्टीज थी उन लोगों ने मेरा बेस स्ट्रॉन्ग कराया। धीरे धीरे करके 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद मुझे अच्छी से चीज़ें समझ में आने लग गई, और मैं सबके साथ जाके ग्रोथ करने लगा अपने टेस्टों में, और अपनी प्रोग्रेस करने लगा सारी प्रिपरेशन में। अब जो हम लोग टेस्ट पेपर लेते हैं, देखिए मैं बच्चों के टेस्ट पेपर ले रहा हूँ, ये लोग हर संडे टेस्ट देते हैं क्लासरूम वाले बच्चे, और अच्छी बात यह कि अब जो ऑनलाइन कोर्स वाले वो भी टेस्ट पेपर हमारे साथ ही देंगे, तो टेस्ट पेपर एनालिसिस का क्या क्या एडवांटेज होता है ये इनको जरूर बताइए, क्योंकि ये टेस्ट पेपर केवल देना नहीं है बेटा, मैं आपको बोलूँगा उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। तो जो आप दोनों लोग करते थे टेस्ट पेपर में, वो क्या चीज़ है जो इनको डेवलप करनी चाहिए? देखो, टेस्ट पेपर में क्या होता है कि सर ने तो टेस्ट करवा दिया है, अब हम लोग क्या करते थे, जब भी टेस्ट देते थे तो जैसे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, 40 क्वेश्चंस हमने किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 5 हमारे रॉन्ग हो गए, तो हमारा मेन मोटो ये होता था कि जो 5 रॉन्ग हुए हैं वो क्यों हुए हैं, क्या मिस्टेक हमने किए, तो हम उस पर फोकस करते थे ताकि वो मिस्टेक हमारी दोबारा ना हो। और जो 10 क्वेश्चन बचे हैं वो हमसे क्यों नहीं बने, क्या लॉजिकल मिस्टेक है, क्या हमसे नहीं बन पा रहा है, क्या हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उस चीज़ पे हम फोकस करते थे, हम हमारा कंसेप्ट क्लियर करते थे, जो चीज़ें क्लियर नहीं होती थी वो सर से डिस्कस करते थे, और सर उसमें हम इम्प्रूवमेंट करते थे, तो जो भी चीज़ हमें नहीं आती थी समझ, सर ने हमारी बहुत हेल्प करी, और जो हम लोग टेस्ट में ये चीज़ फॉलो करते थे वो लोग आपको भी करना चाहिए, इससे आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। और आप जो टेस्ट पेपर आपको जो मिलते हैं, अगर आपको एक बार मिल गया उसके बाद आपको दोबारा एनालाइज करना चाहिए उसी पेपर को, जैसे आपका टेस्ट हो चुका है उसके बाद आप दोबारा, अगर वो 1 घंटे में हुआ है तो आप दोबारा कोशिश करें उसी टेस्ट को आधे घंटे में देने की, तो इससे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ में।
देखिए जैसा अभी दीपक ने बोला बिल्कुल सही बात है कि जो आपने टेस्ट दिया है एक घंटे के टेस्ट में, जो इसने बोला कि मान लीजिए 50 क्वेश्चन का या 100 या 120 का, हर तरह के टेस्ट मिलते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट। जैसे इस संडे को मैं आप लोगों को बता दूं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टेस्ट होगा, नेक्स्ट संडे को भी होगा, साथ में ट्रिग्नोमेट्री का और नेक्स्ट संडे को भी। तो जो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं उसमें हम लोग नॉर्मली 50 क्वेश्चन लगते हैं और मॉक पेपर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे निमसेट का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बात है, मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन का टेस्ट दिया और 30 अटेम्प्ट किया आपने राइट, 10 रॉन्ग किए और 10 नॉट अटेम्प्ट, तो जो बात बोली वो समझिए कि नॉट अटेम्प्ट है तो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि जब आपको वो टॉपिक पढ़ाया गया था तो क्यों नहीं कर पाए वो समझना है। 10 रॉन्ग जो हुए वो क्यों हुए और जो 30 किए उनमें भी कितना टाइम लगा। अच्छा एक और बात होती है, जैसे धर्मेंद्र है, धर्मेंद्र के स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आते थे बिकॉज मैथ्स नहीं था, तो भी इसने कभी ऐसा नहीं किया कि टेस्ट छोड़ दिए, क्योंकि कई सारे टेस्ट से मिलकर आपको फाइनल एग्जाम में एक टेस्ट मिलने वाला है, तो वो टेस्ट में वो सारे क्वेश्चन आएंगे जो आप कर चुके हो। तो धर्मेंद्र आपको जब पेपर मिलता था, क्योंकि कई बच्चे आजकल बहुत जल्दी डीमोटिवेट होते हैं, तो आप इनको बता सकते हो कि आपकी क्या रैंक आती थी और स्टार्टिंग में टेस्ट पेपर में आपकी क्या हालत होती थी? सर स्टार्टिंग में तो मुझसे टेस्ट बिल्कुल 50% टेस्ट भी अगर मैं अटेम्प्ट कर लूँ तो बहुत बड़ी बात होती थी। कभी कभी तो मैं 10-12-15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाता था और ऐसे ही मेरे से बनता नहीं था, मैं बड़ा परेशान हो जाता। लेकिन मैंने सर की बात सुनी और मेरे जो साथ के फ्रेंड्स थे और जो यहाँ पे फैकल्टी थी उन लोगों ने मेरे को एनालाइज करवाया हर चीज़ के, तुमसे क्यों नहीं बनता, अरे तुम्हारा ये वीक है, तुम्हारा ये बेसिक वीक है, ये वाला टॉपिक का ये बेसिक वीक है। तो मैं एनालाइज कर करके उसको प्रोग्रेस करता चला गया, चीज़ों को वो बिल्डअप होती चली गई चीज़ें और हर चीज़ इंप्रूव होता गया, वो मेरा एक टॉपिक पूरा इंप्रूव हो गया। लेकिन उसके बाद जब वो फिर से वो टेस्ट आया तो मुझसे कभी वो गलतियाँ नहीं होती थी कभी, क्योंकि मैं वो बेस पूरा कंट्रोल में ले लेता था और उसको इंप्रूव कर लेता था। तो सर ऐसे ही कर करके मेरे सारे टॉपिक आपने इंप्रूव करवाए। इसने बोली कि आपको एक बार टेस्ट दिया नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, पर उसको आप एनालाइज करिए, उसका बेसिक कवर करिए और फिर जब दोबारा वही टेस्ट दो तो एक तो 50% टाइम में दो और जो मिस्टेक पहले की गई दोबारा मत करो, और अगले पेपर में अगर उस तरह के क्वेश्चन आए तो वही मिस्टेक नहीं करनी, धीरे धीरे आपका टाइम कम हो जाएगा। अभी सफिशियंट टाइम है, 10 मंथ का टाइम है, अगर आप फाइनल ईयर में या ड्रॉप लिया हुआ है तो 10 मंथ सफिशियंट होते हैं एक अच्छे रिजल्ट के लिए। आप एक पॉजिटिव माइंड से पढ़िए, क्लास में आ सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आ सकते तो आप दूर रह के ऑनलाइन कोर्स से पढ़ाई करिए, पर अपने आप को छोड़िए मत। निमसेट एक बहुत अच्छा एग्जाम है, मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में निमसेट में NIT त्रिची वारंगल सूरतकल कहीं पे भी 6-8 लाख से कम का प्लेसमेंट नहीं है और 30 लाख तक का प्लेसमेंट पैकेज जाता है। तो ऐसे में एक अच्छे करियर ऑप्शंस की तरफ आप जाइए। अगर आप BSc कंप्यूटर साइंस, BSc मैथ्स, BCA के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। और देखिए आपके सामने दो बेस्ट एग्जाम्पल है, एक मैथ्स वाला स्टूडेंट, एक कॉमर्स बायो वाला स्टूडेंट, पर दोनों ने अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट भी हुए और आज अच्छी कंपनी में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप लोग मेहनत करिए और लास्ट में से यही देना चाहेंगे कि आप लोग दिल लगा के पढ़ाई करें, लास्ट तक रुकें, ये नहीं है कि बीच में आप छोड़ के चले जाएं। अगर आप लास्ट तक रुकेंगे यहाँ पे तैयारी करेंगे, सर का मोटिवेशन इनफ है। अगर आपने सर का मोटिवेशन 75% सिलेक्शन करवा देता है, 25% हमारी मेहनत होती है। हमारे टाइम पे यही हुआ था, अगर आप लोग लास्ट तक रुक गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, आप खुद नहीं रोक पाओगे। और आप अगर एक साल भी नहीं सर जो बोल रहे हैं 8 महीने, बस आप 8 महीने यहाँ रुक जाइए, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैं तो बस ये सोचता था कि बस 10,000-20,000-30,000 सरकारी नौकरी लग जाए, बैंक में हो जाए, लेकिन आज कम से कम 40-45-50 हज़ार सब हम दोनों की सैलरी है, इसकी तो ज़्यादा ही है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा सैलरी वो भी स्टार्टिंग में मैं कमा पाऊँगा, अर्न कर पाऊँगा। सिर्फ आपको 8-10 महीने की आपकी प्रिपरेशन है, इसके बाद आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने 10 महीने अपने लाइफ के यहाँ दिए हैं, वो आपको डबल ट्रिपल करके आपको है ना अर्निंग मिलेगी उससे, और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका हर चीज़ का लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगी आपकी। NIT इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि टॉप NIT इंस्टीट्यूट हैं, वो पर्सन को बहुत बेटर बना देता है, एक अच्छा इंसान और एक अच्छा आप जो भी आप आपकी ख्वाहिशें हैं जो आपके परिवार के लिए खुद के लिए हैं वो आप अचीव कर सकते हैं वहाँ रह के। और थैंक यू सर, आप लोग आपने हमारी इतनी मदद करी सर। उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली कि इनका स्टार्टिंग पैकेज तो बहुत अच्छा है, पर मैं आपको बताऊं IT कंपनी में एक बहुत अच्छी बात होती है कि विद इन 2-3 ईयर ये ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल पैकेज में चले जाएंगे और इनके सुपर सीनियर आधे से ज़्यादा समय इंडिया से बाहर हैं। यानी अगर आपको इंडिया से बाहर जाने का मन है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप टेक्निकल फील्ड के थ्रू बहुत जल्दी जा सकते हैं। और ये जो बातें इन्होंने बताई उन बातों को ध्यान रखिए, एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए। और ये बात बिल्कुल सच है कि इंपिटस गुरुकुल में कोई बच्चा अगर लास्ट तक रुकता है तो वो डेफिनेटली सिलेक्ट होता है। और वही चीज़ आप नहीं भी आ सकते दूर रह के भी, बस वो जो चीज़ यहाँ हो रही है वही आपने घर पर रह के की तो आप सिलेक्ट होंगे। पॉजिटिव माइंड से आखिरी दिन तक हिम्मत नहीं आनी, बस ये बात दिमाग में रख लो और
पढ़ाई चालू कर दो. और आप जो अभी भी जितने भी सर्वे आए आप सर्च कर सकते हो, जो NITs हैं, जो NIT त्रिची और सूरत कल है, वो इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में आता है. टेक्निकल टॉप 10 सारे IITs आएंगे, 7-8, और आखिरी में 2 NITs जरूर आएंगे, त्रिची और सूरत कल टॉप 10 में ये लोग आते हैं. तो आप इसको ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करें कि आपको, आप अपने फ्यूचर में बता सकते हैं कि मैं इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में पढ़ के आऊँ. तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, एक NIT का ठप्पा आप पे लगने का. और एक NITian क्या होता है ये आपको बाद में जब आप जाओगे तब आपको फील होगा कि हाँ हम IITian है, NITian है. तो थैंक यू. एक बात हमेशा याद रखना, NIT एक ब्रांड है, और ये ब्रांड अगर आप पे लग गया तो आप ब्रांडेड आदमी बन जाओगे. अगर आपको ब्रांडेड बनना है तो मेहनत करिए, जुट के पॉजिटिव माइंड से, अच्छे से, जरूर सिलेक्शन होगा. थैंक यू. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.